अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं चिकन और ये बंद गोभी और शिमला मिर्च और ये मटर। ठीक है, अभी ये चिकन जो है हमारा है 1.25 किलो चिकन है, 1 किलो गोभी है और 0.5 किलो शिमला मिर्च है और ये 0.5 किलो से ज़्यादा मटर हैं, तो जिसको छिलने के बाद ये तकरीबन 1.5 पाव मटर हैं और ये 1 चम्मच अदरक है और 1 चम्मच लहसुन है, 1 डली प्याज है, नमक हसबे जायका डालिएगा, मैंने 1 चम्मचा डाला है। अच्छा, 1 चाय का चम्मचा हल्दी है। अच्छा, 2 चम्मचे जो हैं ये वाले, ये 2 चम्मचे मिर्चे हैं, अब आप अपनी हिसाब से डालिएगा। तो ये इसके अंदर डलेगा, लेकिन सब पहले जो है मैं ये प्याज जो है तेल के अंदर थोड़ी गोल्डन करूँगी, उसके बाद ये लहसुन अदरक डाल के और ये तमाम मसाले डाल के, पहले लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा भून के फिर ये मसाले डाल के थोड़ा मसाला भूनूंगी, उसके बाद ये चिकन डालूंगी। अच्छा, तो नाज़रीन एक बात बतानी थी कि ये चिकन को अच्छी तरह धोकर और पानी में सिरका डाल के इसको भिगो दिया है, तो इससे ना ये चिकन बिल्कुल साफ़ हो जाता है और इसके अंदर जो बिसांत होती है ना, वो सिरके की वजह से वो बिसांत भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप भी ऐसे ही कीजिएगा, जब भी चिकन का कोई सालन पकाएं तो चिकन को धोकर पानी में डालें और उसके अंदर 2 चम्मचे भर के सिरका डाल दें और उसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, 20 मिनट, 15-20 मिनट या आधा घंटा रख दें, तो इससे जो है ना ये आपका चिकन की बिसान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम जो है पकाना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, ये कफगीर देख लें, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पूरा 1 पाव तेल है, तो ये 1 पाव तेल डाला है इसमें। और अब मैं इसके अंदर जो है प्याज डालती हूँ और थोड़ा सा इसको गोल्डन करना है, तो अब हम प्याज डाल रहे हैं इसके अंदर और ये थोड़ी गोल्डन करेंगे, फिर इसके बाद अदरक लहसुन डालेगा इसके अंदर, ये लहसुन अदरक मैंने डाल दिया इसके अंदर, लहसुन अदरक, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। नाज़रीन अभी हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिए, ये चिकन डाल दिया है, पहले इससे पहले मैंने लहसुन अदरक डाला, अब लहसुन अदरक के साथ इस चिकन को जो है थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के साथ, फिर इसके ऊपर मैं नमक मिर्च धनिया और हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी इसके अंदर मैं, वैसे तो मैं कम ही डालती हूँ, जब ये खुश इस तरीके की सब्ज़ी बनती है शोरबे वाले के अंदर तो मैं धनिया डालती हूँ, लेकिन जब भुनी भी कोई चीज़ बनती है तो उसमें धनिया मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ये जो है इसमें 1 कतरा भी पानी नहीं डलेगा और अब ये मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं, नमक मिर्च धनिया और हल्दी, तो इसको अच्छी तरह से मिलाकर ये चिकन के पानी के अंदर ही जो है, जो चिकन में से पानी निकलता है इसी के अंदर ये गल जाएगा और इसके बाद जो मैं सब्ज़ियाँ डालूँगी उसमें भी पानी नहीं डालूँगी, वो भी बग़ैर पानी के ही अपनी ही पानी के अंदर सब्ज़ियाँ गल जाएंगी। आप इस तरीके से पका के देखिएगा, ज़्यादातर जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपने ही पानी में गलती हैं और वो ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ठीक है नाज़रीन, अब हम इसको ढक के रख देंगे और इतने हम सब्ज़ी काट लेंगे। नाज़रीन ये देखें, हमारा जो है ये चिकन भून चुका है और अब हम इसके अंदर सब्ज़ी डालेंगे और ये देखें, ये जो है शिमला मिर्च जो है मैंने इस तरीके से काटी है और ये जो है बंद गोभी ये भी इसी तरह काटा है। ठीक है, इसी तरह काटिएगा और ये
एक मैंने बचा लिया है, तीन थे ये एक किलो में, तो एक बचा लिया है। तो ये तकरीबन आधा ढाई पाव है ये बंद गोभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता तो अच्छा भी नहीं लगता। तो ये तकरीबन आधा किलो जो है ये शिमला मिर्च है, और आधा किलो और आधा पाव जो है ये बंद गोभी है। अच्छा, ये पांच हरी मिर्चें हैं, ये भी इसी में शामिल होंगी। तो अभी हम जो है थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं तो इसका ज़ायका अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मसाले को भूनना है, ताकि कच्चापन दूर हो जाए। नाज़रीन, पहले इसके अंदर मटर डालूंगी मैं। मटर डाल के थोड़ी देर इसको भूनूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मटर, शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है वो तो जल्दी गल जाएगा, और मटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो कल भी मैंने इतना सारा वो जो आपको मैंने करके दिखाया, चावल वगैरह बनाए और चिकन फ्राई करके दिखाया और अचार डाला शलजम का, जो कि हम इतवार को दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला पूरी रेसिपी आपको। और आज मैं अपनी कैट्स की वैक्सीनेशन करवाने गई थी, तो उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है हमारी कैट्स की, तो उनको टीके लग रहे हैं आजकल। और अब जो है थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, ताकि ये मटर जो है गल जाए। बाकी और सब्ज़ियों में तो किसी में पानी नहीं डलता, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा भुनने के बाद मैं ये सारी ये बंद गोभी और शिमला मिर्च डालकर और इसको ढकना लगा के रख दूँगी, और इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। और जब ये भुन जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा सालन तैयार हो चुका है, चिकन, शिमला मिर्च और बंद गोभी और मटर। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपनी दुआ में भी याद रखा करें मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत, जब से मुझे कोरोना हुआ है मेरी तबीयत सही नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मैं, मेरे ये खाने आपको कैसे लग रहे हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी मेहनत करती हूँ। और नाज़रीन, क्या कहते हैं, नमाज़ की पाबंदी किया करें, सदका भी पाबंदी से दिया करें, और सदक़े से आप याद रखिएगा, बलाएं और मुसीबतें तो टलती हैं लेकिन रिस्क में बरकत भी बहुत होती है। और हमेशा खुश रहा करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।